नमस्कार। तो एक 10th का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मेरे पास आया है अभी, ठीक है। एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा है ये क्वेश्चन। मैं पर्सनली उसको करके भेज सकता था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, तो मैं करके अपने चैनल पर डाल दूँ जिससे और लोग भी देख लें। थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी है, इन द सेंस थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो मे भी मेरी आवाज़ में कुछ दिक्कत आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। ये तुम्हारा स्पर्श बिंदु, यहाँ पे D है, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है, देख दे रहे हैं, जो तुम्हारा BC क्या है, विभाजित है, जिनकी लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। जैसे जो D यहाँ पे पॉइंट है, ये कितना हो जा रहा है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये कितना है अपना, 6 सेंटीमीटर है। बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, आपको नूतन में मिल जाएगा, राज्य में मिल जाएगा, NCERT में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। भुजाएं AB और AC ज्ञात करने, हमको ये निकालना है, और सॉरी ये वाली लाइन निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहूँगा इससे पहले कि इसमें क्या हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो 2 पॉइंट इस्तेमाल कर रहे होंगे। पहली बात, जैसे मान लीजिए हमारा कोई सर्कल है, ठीक है। अगर सर्कल से बाहर से कोई, मान लो एक पॉइंट हम बाहर से ले रहे हैं और इस पर हम दो स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है। एक बाहर से बिंदु से दूरी स्पेस रखाएंगे तो ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर तुम ध्यान दो, ये हमारा वृत्त है जो हमारा, ठीक है, बी इसके लिए बाहर बिंदु हो गया, इससे ये इतने स्पर्श रेखा आ रही है और ये आ रही है, तो ये दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी। वैसे इस वाले बिंदु से ये इधर आ रही है और ये किधर आ रही है, तो ये बराबर होंगी कि नहीं होंगी। और यहाँ से ये इतना आ रही है और इतना ये आ रही है, तो ये बराबर होंगी कि नहीं होंगी। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर वृत्त के केंद्र से हम लोग इस पे स्पर्श रेखा पे टच कराएं तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, जिसे हम लोग लंब कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा फिगर बना रखा है, पहले नाम दे देते हैं। ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ओ है। थोड़ा सा हम ड्रा कर लेते हैं एक लाइन और, थोड़ा सा ये हमारा मान लो ई है, एक लाइन और हमको चाहिए थोड़ी सी, ये हमारा एफ है, ठीक है। करना क्या है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपने को दिया था 8, ये दिया था 6। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वृत्त के लिए, जो हमारा वृत्त है, इसके लिए एक बाह्य बिंदु है भी, क्या है, एक बाहर का बिंदु है कि नहीं है। एक बाहर के बिंदु से इस पे दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये जा रही है और एक ये जा रही है, ठीक है, दोनों खींची गई हैं, ठीक। तो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, क्या होंगी, बराबर होंगी। तो लिखोगे पहले BE बराबर BD। अगर आपने मेरी क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा, जो मेरे से पढ़ते हैं स्कूल में, ट्यूशन में आते हैं, इंस्टीट्यूट पे आते हैं, अगर उन्होंने पढ़ा होगा तुमको याद होगा, मैं पॉइंट बता चुका हूँ कि अगर एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचे, दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, अगर BD हमारा 8 है तो BE भी हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ से हमारा BE आ गया, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, यानी इसकी भी लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये वाला बिंदु, सी वाला पॉइंट भी, इसके लिए कि ये स्पर्श रेखा जा रही है और ये भी स्पर्श रेखा जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, यानी यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ मैं, CD बराबर CF। हालांकि CD हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो CF भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी तुम्हारा CF भी आ गया 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आपको लिखना भूल गया था, ठीक है। अपने को ये लंबाई दोनों नहीं दी है, लेकिन ये भी दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी एक बाह्य बिंदु है, एक ये हमारा स्पर्श रेखा है और ये एक हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, ठीक, दोनों बराबर होंगे। तो अपन बोल सकते हैं इसको, अगर मान लो मैं एक्स मानूंगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो लिख लो AF बराबर AE, जो कि हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, ठीक। सबका लेंथ निकल गया, थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज करेंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा क्योंकि तो मुझे इसका फिर से इस्तेमाल करना है, ठीक। कहाँ गया इरेजर, एक मिनट, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं टाइम लेके बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। मैं लेंथ नहीं मिटा रहा हूँ, बस जो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शन किया था वो मिटा रहा हूँ।
ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और कुछ करते हैं इसमें। अब ध्यान देना, मैं कुछ त्रिभुज उठाऊंगा, ठीक है? ये ध्यान दो, ये हमारा ओ पॉइंट दिख रहा है, ओ बिंदु। ओ से हम लोग आए सी तक, ठीक, और सी से गए बी तक, यहाँ तक गए। तुम ध्यान से दो, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला, ये त्रिभुज बन रहा है ना? ठीक, ये त्रिभुज बना, इसका नाम क्या है? ओ बी सी, है ना? तो लिखोगे त्रिभुज ओ बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ओ बी सी में लिखेंगे, क्या देखेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालना क्या होता है? ये हमारा लंब है 90 अंश का, और ये इसका आधार है। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? मैं लिख रहा हूँ क्षेत्रफल, लिख रहा हूँ इसका क्षेत्रफल, लिख रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। एक बटा दो आधार गुणे लंब, यही ना होता है? एक बटा दो आधार कितना है? ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 है, 6 8 कितना आ जाएगा? 14। इन दोनों को जोड़ दो, इससे टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 14 आ जाएगा ना, तो ये 14 हो गया। और वृत्त का तुम्हारा त्रिज्या क्या दिया हुआ है? त्रिज्या ही ना है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो गुणे 4, 2 2 गुना के 4, यानी आ गया 28। यानी इस वाले पोर्शन का कितना आ गया? 28। इस वाले का कितना आ गया? 28 आ गया। ठीक है, अब इसको लेते हैं ए बी ओ को, ठीक है, यानी मैं इसकी बात किया हूँ, ए बी और ये वो वाले को, ठीक है, इस वाले को बात किया हूँ। ये हमारा, मान लो हमारा पहला वाला था, ये हमारा सेकंड वाला है, ठीक है? तो क्या ले रहा हूँ? त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आधार इस बार ये हो जाएगा, लंब हमारा ये हो जाएगा, लंब भी वही रहेगा, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो ये 4 सेंटीमीटर रहेगा ही, और ये इतना दूरी, ये वाला x है और ये 8 है, टोटल कितना हो जाएगा? कितना जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे जोड़ दो भाई, तो लिखोगे 1/2 गुणे आधार के हमारा x धन 8, और ऊंचाई कितनी है? 4, काटो 2 2 के 4, कितना आ गया? 2x धन 16। सेकेंड वाले का भी आ गया, कितना आ गया है? 2x धन 16। अब आते हैं थर्ड वाले को निकालते हैं, किसका निकालना है? थर्ड त्रिभुज का नाम क्या होगा? ए ओ सी, यानी त्रिभुज ए ओ सी में, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा? ये अपना 6 सेंटीमीटर है और ये एक्स है, एंड टोटल कितना हो जाएगा? ये एक्स प्लस 6 हो जाएगा, और अभी भी ये लंब इस पर ड्रा करेंगे तो कितना करेगा? 4 ही करेगा, त्रिज्या है। क्या हो गया? 1/2 ब्रैकेट में एक्स धन 6 इंटू में 4, ठीक है, 2 से 2 दाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं, 2x धन 12, ठीक है। अब हमारे तीनों त्रिभुज का एरिया निकल गया, इसका कितना आया है? 2x धन 12। अब ये चीज एकदम बेसिक थी, ठीक है, अब तीनों को लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है। अरे भाई, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे हमारा एक त्रिभुज है ये, ठीक, मैं यहाँ पे ऐसे रफ फिगर बना रहा हूँ, ठीक, यहाँ से बात है, इसका मैंने निकाला, फिर मैंने इसका निकाला, इसका निकाला, इसको मान लो, इसको मैंने 1 माना था, इसको मैंने 2 माना था, इसको मैंने 3 माना था, तो तीनों का निकाल देंगे, इसका इसमें इसका इस तीनों को जोड़ देंगे, इस पूरे का निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? होगा ना, तो वही तो हम निकाल रहे हैं। इसका कितना आया था? 28 आया था। इसका कितना आया था? 2x धन 16 आया था। कितना आया था? 2x धन 12 आया था। देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ ठीक है, यही ना आया था हमारा, ठीक। तो ये त्रिभुज का नाम क्या था? ए बी सी, तो हम लोग इसका लिख रहे हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल। एकदम प्यार से एक दो बार वीडियो देख लेना, ठीक है, क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ दो, एक का था 28, एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, एक का था 28, एक का था 2x धन 16, एक का था 2x धन 12, जोड़ो तो 28, 2 2 4x हो गया, कितना हो गया? 4x, 28 और 16 12 28, 28 26, कितना हो गया? 56 हमारा ये आ गया, ठीक, कितना गया? 4x धन 56, ठीक। अब क्या करते हैं, अपने को कुछ पता होना चाहिए, ये टोटल लंबाई कितनी हमारी आ गई थी? 8 से 14 आई थी, ये कितनी आई थी टोटल हमारी? x धन 6 आई थी, ये कितनी आई थी?
एक्स धन 8 आई थी। अब लगाएंगे हम लोग वाला फॉर्मूला, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। फिर हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या लगा देंगे, अंडर रूट में, बड़ा मेहनत का काम है, यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। और ये कैसे आया वो भी निकाले हम लोग ऊपर देख लो। अरे भाई ये 6 था, 8 था, 14 हो गया, ये 8 था, ये एक्स था, तो एक्स प्लस 8 हो गया, ये तुम्हारा एक्स था, ये तुम्हारा 6 था, तो एक्स प्लस 6 हो गया। ठीक है, थोड़ा गाड़ी वाड़ी चल रही, दिन में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो करते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मान लेता हूँ मैं बी, इसको मान लेता हूँ मैं सी, ये एक्स है, 4 नहीं है, ठीक है, ये भी एक्स था। तो करते हैं क्या जगह, 14 ए हमारा है, बी कितना है हमारा, एक्स धन 8 है, और सी कितना है, एक्स धन 6 है, पट्टा में क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो एक्स एक्स 2 एक्स हो जाएगा, 14 14 28 हो जाएगा, कितना जाएगा तुम्हारा, 2 एक्स धन 28 बटा में 2, यानी क्या हो गया, एक्स धन 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, त्रिभुज एबीसी का निकालना है, फॉर्मूला से निकालना है। पहले क्या किया हूँ कि तीनों का अलग अलग निकाला हूँ, अब एक बार में इसका निकाल रहा हूँ। ठीक है, यस की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस 14 आ गई ना, यहाँ पे यस की वैल्यू वही ना भैया, यस ही ना निकालना है यहाँ पे, ये यह हमारा यस ही है। अब यहाँ पुट करते हैं, यस की जगह पे क्या है, एक्स धन 14, ठीक है, ब्रैकेट में यस माइनस ए हमारा क्या है, 14, इसका यहाँ पे मैं 14 माना था, 14 यस एक्स प्लस 14 वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारा ये 14 है, यहाँ पे यस कितना है, एक्स प्लस 14, और एक वैल्यू कितनी है, माइनस 14 हो जाएगा। फिर क्या है, यस हमारा कितना है, एक्स प्लस 14, और बी क्या हमारा, एक्स माइनस 8 है, तो माइनस में कर दो एक्स प्लस 8। ठीक है, बस अभी साइन लाके वैल्यू बाहर करना। ठीक है, फिर क्या है हमारा, फिर वही एक्स प्लस एक्स माइनस सी है, तो एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6, थोड़ा सॉल्व करते हैं, इससे ये जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अंदर माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, देखना क्या होने वाला है, पूरा बड़ा अच्छा खुलेगा। ठीक, ये तो ऐसे उतर जाएगा, यानी एक्स प्लस 14 इसको ऐसे उतारो। ठीक है, ये कटे कितना बचा हमारा, यहाँ पे एक्स बचा। ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा, या तो माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या है, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स होगा, और फिर माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा देखने का, तो क्या था, एक्स प्लस 14 था, तो 14 14 कट गया है, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस हमारा है ना, माइनस बल्कि आगे कर जाएगा माइनस एक्स, ये जगह कर जाएगा माइनस 8, वैसे ही यहाँ पे माइनस जगह कर जाएगा माइनस एक्स, कितना जाएगा माइनस 6, एक्स एक्स जाएगा, एक से एक्स जाएगा। ठीक है, 14 में से 6 जाए तो कितना बचेगा, 8, और 14 में से 8 जाए तो कितना बचेगा, 6, तो क्या होने वाला है कि अंदर देखना है, तब कैलकुलेशन तुमने करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरा जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ तुमको, बस एक्स प्लस 14, ठीक है, यहाँ कितना बचा है, एक्स बचा है, कितना बचा है, एक्स, यहाँ कितना जाएगा, 14 में से 8 जाएगा कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6, और फिर 14 में से 6 जाएगा कितना जाएगा, 8। ठीक, अब इसको मैं लेता हूँ अगले पेज पे, कितना गया हमारा अंदर, देखो ये हमारा क्षेत्रफल आया किसका, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया है, कर्ड़ी में एक्स प्लस 14, फिर ब्रैकेट में क्या हमारा है, एक्स, फिर 6, फिर 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से, क्या हो गया तुम्हारा, एक्स धन 14, 8 छक्का 48 एक्स। ठीक है, और हम निकाले थे त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग, तब कितना आया था जोड़ने पे, 4 x धन 56, कितना आया था हमारा, 4 x धन 56। ये भी तो एबीसी का क्षेत्रफल है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एबीसी का क्षेत्रफल ये भी तो है, दोनों बराबर ही ना होंगे भैया, दोनों त्रिभुज बराबर हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 x धन 56, सॉरी 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 15 लिख दिया हूँ, 4 x धन 56, क्या करो इसमें से 4 कॉमन ले लेना, अभी देखो बड़ा अच्छा बनने वाला है, कर्णी में एक्स प्लस 14 गुणते में 48 एक्स, 4 कॉमन लूंगा तो आएगा एक्स प्लस 14। ठीक है, अब कर्णी हटाना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या लिखोगे, दोनों तरफ 4 करते हैं, दोनों
तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा, तो ये तो कर्ण हट जाएगा, ठीक। यहाँ बचेगा 48x, ठीक। यहाँ क्या जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और x+14 का भी स्क्वायर हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा। लेकिन भाई यहाँ पे भी है तो इससे 1 स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। यहाँ कितना बचा तुम्हारा, यहाँ बचेगा तुम्हारा 48x, ठीक, बराबर में 4 चौका 16, ब्रैकेट में 1 धन 14 बचेगा, 16 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। कितना जाएगा तुम्हारा, 3x बराबर x+14, एक्स को उधर लेके आओ तो 2x बराबर 14, यानी x बराबर आ गया तुम्हारा 7। x वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई ना। अब थोड़ा आते हैं पहले पेज पे, एक ट्रेंगल फिर से बनाते हैं, ठीक बनाते हैं। मैं दिखाता हूँ मैं कैसे ड्रा करता हूँ ट्रायंगल, थोड़ा सा देखो तुम लोग। इंसर्ट करता हूँ एक ट्रायंगल, अपने को क्या चाहिए, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, खुदा बता दे क्या नसीब हमें दिखा। अब थोड़ा सा अपने को ड्रा करना पड़ेगा, थोड़ा मेरी तबीयत सही है नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों का, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। मैं क्या बोला था, ये नीचे कितना था, इधर वाला 6 था, इधर वाला 8 था, इधर कितना था, ये 8 था, इधर कितना था, 1 था, इधर भी ये 1 था, ये कितना था, 6 था। एक्स वैल्यू कितनी आई है बीमारी, देख लो यहाँ पे भी निकाले हम लोग ना, एक्स वैल्यू 7 हमारी आई है, कितनी आई है, 7। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, एक्स वैल्यू आई थी 7, 7। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तुम्हारी ए भी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 8 7 15, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ए सी कितना हो जाएगा, 7 6 13, तो 13 और 15, ये हमारा आंसर आया है, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन कर लेंगे तो बड़ा फायदा होगा, ठीक। जैसे अपन को देखा जाए, कुछ बता रहा हूँ तुम लोग को, क्वेश्चन था क्या, फिर सोचना तुम लोग, अपने पास एक त्रिभुज था, मैं रिवाइज थोड़ा सा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्या करा रहा हूँ, रिवाइज, थोड़ा कलर का, पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं अपन, रेड से खेलते हैं, ठीक, थोड़ा रेड बनाया तो अच्छा लगेगा। अपने पास ये त्रिभुज था, ठीक है, ऐसा कुछ था, अब देखो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक, जैसा बन जाए सोच लेना। इसके अंदर क्या था, हमारा वृत्त था, क्या था, एक वृत्त था ना, ठीक। तो हमको पता है कि अगर इस पे कोई लंब गिरेगा तो ये स्पर्श रेखा है, तो ये क्या बनाएगा, 90 अंश बनाएगा। और दूसरा क्या था, अगर कोई बाह बिंदु से हम लोग किसी वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींचे क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमारा 8 था, तो ये हमारा भी 8 हो गया, ये हमारा 6 था, तो ये भी हमारा 6 हो गया, और ये हमारा 1x है, तो ये भी हमारा 1x हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले इससे मिला के और इसको मिला के एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज हमारा ये पहला वाला बना लिया, इसको पूरा मिला के, एक इसको मिला, इसको लिखा था दूसरा मान लिया था, और एक ये तीसरा, तीनों को हमने क्या किया, ये हमारा लंब है इस पे, ये भी हमारा लंब है, तो हम लोग आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के फॉर्मूले पे सारे का अलग अलग हम क्षेत्रफल निकाले हैं, निकाल के क्या किए हैं, तीनों को जोड़ दिए हैं। जैसे मान लो कि ऐसे ही है, अगर मैं तीनों का अलग अलग निकाल के जोड़ दूंगा, ऐसे इसका इसका निकाल दूंगा, तभी तो पूरे फिगर का यानी पूरे चित्र का क्षेत्रफल आएगा ना, वही मैं किया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बारी बारी सारे का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या किया मैंने, हमने किया कि हम सोचे हैं कि चलो अब इसका अलग अलग निकाल लें, अब क्या किया कि मैंने इन सबका, ये इसका नाम ए रखा, इसका नाम यहाँ पे मैंने बी रखा, इसका नाम हमने यहाँ पे सी रखा, x+6 वाले का, ठीक है। फिर हमने लगाया यस बराबर a+b+c/2 वाला फार्मूला जो आपने कक्षा में पढ़ा होगा, और उसके बाद ये फार्मूला लगा दिया। तो ऐसे करके फिर दोनों क्षेत्रफल तो बराबर ही रहेंगे ना भाई, त्रिभुज तो चेंज नहीं हो रहा है, त्रिभुज दोनों का ABC है, तो दोनों क्षेत्रफल बराबर है, तो उसको हम दोनों को बराबर कर दिया, फिर उसे सॉल्व कर लिया, जिससे हमारी एक्स की वैल्यू आई, फिर वैल्यू पुट कर ली। अब तुमने करना क्या, तुम ध्यान दो कि जैसा भी तुमने दिख रहा है कि उतना क्लियर इस पर लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दे पाऊंगा, ठीक। तो तुमने करना क्या है, तुमने ये करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको करते जाओ, ठीक है। जब तुम ये वीडियो देखो तो जो जो मैं कर रहा हूँ वो करते जाओ, तुमने सारा क्वेश्चन समझ जाएगा, ठीक है। जो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक, जो जो मैं बोला उतना करते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर फिर भी नहीं समझा तो जहाँ नहीं आए मुझसे पूछना, मैं तुमको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम लोग वीडियो देखने के बाद मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना,
जहां पे समझ में नहीं आए वो तुमको मैं समझा दूंगा, और एक कक्षा 10 के सारे बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा, लिखित है, गारंटी है, वैल्यू चेंज करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 8 था तो यहाँ पे क्या कर देगा, 10 12 कर देगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा क्या, क्वेश्चन तो रहेगा ही ना, अगर नहीं किया होगा तो फंस जाओगे, ठीक। तो वीडियो देखो और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार।